वेलकम टू पाइनार डायरी एंड माय नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े अरसे बाद मैं किचन में आई हूँ तो छींकें लग गई हैं। तो वैसे तो बहुत टाइम से मैंने रखा हुआ था चिकन संभाल के बिरयानी बनानी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये हम लोगों की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी हम लोग इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें याद आया है कि इसके अंदर दही भी डलता है, लेकिन मैं दही डालना भूल गई हूँ, तो वो हम सालन में डाल लेंगे। ये हम लोगों का चिकन मैरिनेट हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर अपने किचन में आ चुके हैं क्योंकि कल टाइम ख़त्म हो गया था। यहाँ पर हम लोगों की गैस का एक टाइम है, तो सुबह आती है 6 बजे से 9 बजे तक, फिर 12 बजे से 2:30 बजे तक, फिर 5 बजे से रात 9 बजे तक, उसके बाद गैस नहीं होता। तो इस वजह से कल मैं फिर वहाँ से आके ऑफिस से आके तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो वो बस मैरिनेट करके मैंने चिकन रख दिया था। तो अभी कुछ सामान हम लोगों का कम भी था, कुछ सामान कम भी था वो भी ले आई हूँ। ये चिकन मैरिनेट हुआ हुआ है, ये हम लोगों की बाकी की चीज़ें हैं, ये भी कुछ थोड़े बहुत मसाले वगैरह जो लेके आने वाले थे वो लेके आई हूँ। प्याज कट हो चुके हैं, यहाँ पर हम लोगों ने राइस को भिगो दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने पानी डाल दिया है कि राइस, ये जब पानी उबल जाएगा तो फिर हम इसमें राइस डाल देंगे। और साथ ही हम लोग जो हमारे पास बड़ी इलायची और वो चीज़ें हैं वो भी हम लोग साथ ही ऐड कर देंगे। हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, सॉल्ट और ये दालचीनी वगैरह डाल दी है, राइस डाल दिए हैं। अब ये उबल जाएंगे, उसके बाद एक कनी छोड़ के इसको हम लोगों ने उतार लेना है। ये हम लोगों ने उसमें वो डाला था देखी में घी, या वैसे ऑयल डलता है लेकिन मेरे पास घी था इसलिए मैंने घी डाल दिया। उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने प्याज डाल दिए मसाला बनाने के लिए। पहले हम लोग चिकन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको लेयर दे देंगे। अच्छा हमको सिखा रही है, बहुत जोर लग रहा है, अभी नहीं बोल सकती है, बहुत भारी है यार। सस्टेन करने का कोई चीज नहीं है, क्या से करूं मैं सस्टेन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कनी छोड़ के हम लोगों ने राइस निकाल लिए हैं, स्टेन कर लिए हैं, और यहाँ पर जो हम लोगों ने ब्राउन किए थे प्याज उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कोट लिया ताकि जब मसाला बने तो वो एक जैसा ही हो। ये अपनी मर्जी होती है कि आप टमाटर डाल लें, या फिर अगर टमाटर नहीं आपके पास तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो अभी टमाटर थे नहीं इस वजह से मैंने उसके अंदर दही का ही यूज़ किया। तो जो हम लोगों ने वो कूटा था प्याज वो उसके अंदर दही और थोड़ा सा मसाला वगैरह वो सारा कुछ हम लोगों ने ऐड करके रख दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये हम लोगों का मसाला रेडी हो रहा है, अब इसके अंदर जो मैरिनेटेड हमारा चिकन है हम वो ऐड कर देंगे। ये देखने में कितना यम्मी लग रहा है अभी। नहीं इसका पानी हम लोग थोड़ा सा खुश्क हो जाए, थोड़ा चिकन गल जाए, उसके बाद हम लोग इसकी लेयर दे देंगे। तकरीबन हम लोगों का सालन तो रेडी हो चुका है, और ये दूसरी तरफ हम लोगों ने ये एक लेयर डाल दी है राइस की, और यहाँ पर ये हम लोगों ने कलर रेडी कर लिया है। हम लोगों ने इसकी लेयरिंग कर दी है। ये एक लेयर पहले चावल की जो हम लोगों ने एक कनी छोड़ी हुई थी वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि अभी हम दम पे देंगे तो वो एक कनी जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर हम एक कनी ना छोड़ते तो वो चावल घुल जाते थे। उसके ऊपर एक लेयर हम लोगों ने जो मसाला अपना तैयार किया था उसकी डाली है, फिर थोड़ा सा ये जो कलर बनाया था उसका, और थोड़ा सा ऑयल। ये करके अब ये हम लोगों की लेयरिंग हो गई है। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे, 2-3 मिनट इसको दम पे रखेंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा।
अभी मैं यहाँ पर आई हूँ मिल्क शेक और बर्गर खाने के लिए। यहाँ पर अक्सर वो गोल बर्गर मिलता है, तो वो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं स्पेशल आती हूँ ये दूसरे वाला बर्गर खाने के लिए। Nice. ये भी दम पूरा हो चुका है, इसको खोल के देखते हैं कि किस तरह के बने हैं। देखने में तो बहुत मज़े के लग रहे हैं। वाओ, लुक। ये अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं राइस खाने के लिए, मैंने राइस बनाए थे, साथ हम लोगों ने ली है इसे। अभी खाना वगैरह खा के मैं आ चुकी हूँ वापस अपने हॉस्टल, और खाना खा लिया है, बस अब रात हो गई है। अब घर आ गई हूँ, आके अब नहीं देखती हूँ, कोई वीडियो एडिट करती हूँ, वो अपलोड करती हूँ। कपड़े आज मैंने नहीं धोए क्योंकि कपड़े इतने कोई ख़ास थे नहीं आज धोने वाले, और बात मेरा एक मेन चीज़ यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मस्ट होता है धोना, और वो भी धुला हुआ था, और मज़े की बात के वो प्रेस हुआ हुआ, प्रेस करके ना मैंने हैंगर में ऐसे ही लगाया हुआ था, तो वो मुझे सुबह प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही पहन लूँगी। हाँ, मैंने नहीं धोया यूनिफॉर्म, तो ना अभी वो भी मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैंने आज बिरयानी बना ली थी, इस वजह से मैं पूरा दिन, तकरीबन मैंने बताया उसकी भी टाइमिंग है, तो इस वजह से पूरा दिन ही निकल जाता है इन कामों में। फिर नहीं तो उसका क्या, मैं मिड में मतलब मिड में धो लूँगी, ये मतलब एक दो दिन गुजर के ना फिर मैं धो लूँगी इंशाल्लाह। गंदी नहीं हूँ मैं वैसे धोती होती हूँ अपना यूनिफॉर्म। अभी एक दो दिन तक धो लूँगी, अभी इतना गंदा नहीं है वैसे भी, तो ना अभी वीडियो एडिट करूँगी, फिर मुझे ऑब्वियसली रात को भूख लग जाएगी, फिर थोड़ा सा बिस्किट वगैरह कुछ खाऊँगी और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो ना अभी मैं अपने यहाँ पे ब्लॉग का आज एंड कर रही हूँ, तो मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मुझे बताएं आप करें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाया करूँ, और मुझे अपने रिव्यूज़ दिया करें, और ना मुझे पता है मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, और अगर नहीं भी बनाती ना तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो इस वजह से ना लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, और मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।